हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। और आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि यू इंटू वी का फॉर्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं और यू बाई वी के फॉर्मूला का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा फॉर्मूला का यूज दिखाया था, जैसे कि साइन एक्स का, टेन एक्स का, इन सब का, और एक्स टू द पावर एन का भी मैंने दिखाया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और यू इंटू वी और यू बाई वी का फॉर्मूला का भी यूज देखेंगे ड्यूरिंग द क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, साइन साइन एक्स प्लस बी क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा हेडलाइन बोला हुआ है। अच्छा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, अगर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, मतलब LHS RHS के फॉर्म में नहीं है, इक्वल टू बीच में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को पहले y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पहले y। इस तरह से लिखने का मार्क्स मिलता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, इस तरह से लिख लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस बात को भी हम लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, इस तरह से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू। अब जब भी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो हम लोग पहले ही माइंड में सेट कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शन पहले आएगा। तो ऑब्वियसली पहले साइन आएगा, उसके बाद ये एंगल वाला टर्म आएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, जो एंगल वो एंगल लिख देंगे, फिर इनटू का साइन देंगे, फिर उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और जो एंगल है वो एंगल तो हम लोग लिखेंगे ही। तो अभी साइन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब हम लोग साइन को ढक देंगे। अब क्या दिख रहा है, एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या है, दो टर्म है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी ब्रैकेट के अंदर। आप लोग ब्रैकेट छोड़ देते हो, ये तो गलती हो जाता है। तो इनटू में क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे। अब एक कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर रहेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस बी एक कॉन्स्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल ना ही मल्टीप्लाई में ना ही डिवाइड में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। अब डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इसको थोड़ा सजा देते हैं। सजाने का काम कैसे करते हैं, जो छोटा वाला टर्म उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि काफी छोटा है, यहाँ पे से क्या मिलेगा, ए इंटू वन ए, ए प्लस जीरो ए, तो यानी यहाँ सिर्फ ए आ जाएगा, तो उसको हम आगे लिख देते हैं, यानी ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कॉस कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर। जैसे अगला क्वेश्चन है, कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहला काम हमें इसको वाई मान लेना चाहिए। क्या, वाई। लेट वाई इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद में अगले लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले कॉस का होगा, फिर साइन का, फिर एक्स स्क्वायर का। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जो ब्रैकेट में वो तो हम लोग लिखेंगे ही, कॉस का डिफरेंस है माइनस साइन हो गया, और जो एंगल था वो एंगल लिख दिया, फिर इनटू में। अब हम लोग कॉस को डिफरेंशिएट करके इसको ढक देंगे, तो क्या दिख रहा है, साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस लिख दिया, जो एंगल में वो एंगल लिख देंगे। अब साइन कॉस का भी हो गया, साइन का भी हो गया, दोनों को ढक दिए, तो क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में करेंगे, यानी कि टू इंटू एक्स टू द पावर टू माइनस वन। तो अब एक्स स्क्वायर का भी हो गया, अब किसका करेंगे, एक्स का, तो एक्स का क्या होता है, वन। तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अरेंज कर देंगे, सभी मल्टीप्लाई में है, तो जो सबसे छोटा है उसको आगे लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा तो वन तो लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे टू इंटू एक्स के पावर क्या बचेगा, वन, तो टू एक्स बच जाएगा, तो टू एक्स को हम आगे लिख लेते हैं, और आगे माइनस भी है, तो माइनस टू एक्स। उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिख लेते हैं साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे,
आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन dy वाई वाई डी एक्स। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पहले ही से माइंड में सोच लेंगे कि पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले किसको करना है, रूट दिख रहा है तो पहले रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर रूट के अंदर वाले टर्म्स को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को। तो कैसे करेंगे, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है रूट एक्स का, रूट एक्स का क्या आप लोगों ने याद किया हुआ है कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो वीडियो पहले देख लें, मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स, लेकिन एक्स के जगह यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो क्या लिखेंगे वन बाई टू अंडर रूट, और एक्स तो लिखेंगे नहीं, एक्स के जगह क्या है ये सभी चीजें हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो रूट का काम हो गया खत्म, अब रूट को भूल जाना है। अब क्या दिख रहा है अंदर में, तीन टर्म दिख रहा है वो भी प्लस में, तो अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है। तो पहले एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स, फिर प्लस एक्स का क्या हो जाएगा वन, और वन का जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो ऊपर में कितना आ जाएगा टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब आप लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉसेक ऑफ कॉसेक एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करने से पहले लेट y इज इक्वल टू मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ कॉसेक एक्स। तो अब हम लोग इसके नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू, तो पहले यहाँ पे हम लोग पहले ही माइंड में सेट कर लेंगे कि पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पहले cosec को फिर cosec x को। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे सर ये तो इनटू में, जी नहीं ये इनटू में नहीं है, ये क्या है cosec और इसी cosec का ये एंगल है, ये इनटू में नहीं है। तो पहले इस cosec का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इस cosec x का। तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इनटू cot x, फार्मूला याद होना चाहिए। तो cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह तो ये cosec x है ना, तो ये लिखना पड़ेगा cosec x। तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस cosec x, तो माइनस cosec x इंटू cot x, cot और x की जगह क्या है cosec x है, तो ये हो जाएगा cosec x। तो ये हुआ इस cosec का डिफरेंशिएशन। अब इंटू, अब इस cosec को हम लोग भूल जाएंगे, अब ये अंदर वाला जो cosec दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या होता है माइनस cosec x, तो यहाँ पे x की जगह x ही है, तो x लिखेंगे इंटू cot x, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको अरेंज कर देना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सभी इंटू में, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और दोनों ये दोनों छोटा है तो इसको लिख लेते हैं cosec x इंटू cot x इंटू में cosec ऑफ cosec x इंटू में cot ऑफ cosec x, तो ये इसका हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7 बाई 2, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7 बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx। उसके बाद हम लोग पहले ही सोच लेंगे कि पहले हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये डेफिनेटली पहले पावर का होगा क्योंकि x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो पहले पावर का होगा, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इस तरह से x के पावर n वाले फॉर्म में क्या होता है n into x के पावर n माइनस वन, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस x की जगह तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, तो x टू द पावर n जैसा है पहले, तो पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे, इस तरह से, तो पहले पावर बाहर आ जाएगा 7 बाई 2, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिखेंगे, और पावर में से एक घट जाएगा यानी 7 बाई 2 माइनस 1, फिर इनटू, अब पावर का हो गया तो पावर को हम लोग भूल जाएंगे। अब क्या दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म दिख रहा है, चूंकि ये तीन टर्म है तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ब्रैकेट लेना है, अगर आप लोग ब्रैकेट नहीं लेते हैं तो गलत हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा और x स्क्वायर का होता है 2x, तो कितना हो जाएगा 6x और प्लस 6 into 1 यानी 6 हो जाएगा, और 5 का तो 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया कंप्लीट। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, 6 कॉमन आ रहा है,
तो 6 कॉमन ले लिए, तो ये भी इनटू में है, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं बाहर, तो 7 बाय 2 इनटू में यहाँ से 6 कॉमन आ गया, और इस यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1, तो इसको आगे लिख लेते हैं x प्लस 1, और यहाँ क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5 बाय 2 बच जाएगा, तो 2 3 या 6 यानी कितना आ जाएगा 21 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5 बाय 2, ये हो गया आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कॉस ऑफ साइन एक्स क्यूब, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही चीजें, y मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स क्यूब, फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा dy by dx, पहले किसका होगा cos का, तो cos का माइनस साइन, जो एंगल है वही एंगल लिखेंगे, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, तो इस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जो एंगल था वो एंगल लिख दिए, उसके बाद इस कॉस को ढक देंगे, तो क्या दिख रहा है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो एंगल है वही लिखेंगे, फिर अभी साइन को भी ढक देंगे, अब क्या दिख रहा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो 3x स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर, और ये दोनों में ये थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको आगे लिख लेते हैं कॉस एक्स क्यूब और इंटू साइन ऑफ साइन एक्स क्यूब, तो ये इसका हो गया आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, sec क्यूब एक्स बाई टू, तो सबसे पहले इसको y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू sec क्यूब एक्स बाई टू, तो अब हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर का होगा, फिर sec का होगा, फिर x बाई टू का होगा, तो इधर पहले y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, पहले किसका होगा पहले पावर का होगा, क्योंकि पावर पहले दिख रहा है, तो पावर का डिफरेंस क्या होगा 3 आ जाएगा बाहर, यानी 3 sec स्क्वायर x by 2, पावर से घटा देते हैं, यानी x के पावर n के फॉर्म में इसको हम डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है, फिर अब पावर का हो चुका था, अब sec का होगा, तो sec का डिफरेंस क्या होता है sec x into tan x, तो यहाँ पे x की जगह x by 2 है, तो sec x यानी कि sec x by 2 into tan x by 2, तो ये हुआ sec का भी हो गया, अब x by 2 का, तो x का होगा 1, तो 1 by 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 by 2, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, ये और ये सेम चीज है, तो क्या लिखेंगे 3 by 2, ये 3 अब वो 2 नीचे वाला, यहाँ कितना आ जाएगा sec, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्यूब हो जाएगा x by 2, और इंटू में आ जाएगा tan x by 2, तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है साइन और उसका एंगल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉस और इसके एंगल में ये टैन कॉट, ये पूरा आ गया, फिर टैन टैन का एंगल ये कॉट, फिर कॉट का एंगल एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो चीज़ें हैं वो लिख देंगे, फिर कॉस का करेंगे, फिर टैन का, फिर कॉट का, फिर एक्स का, इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग वाई मान लिए, लेट वाई इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में कॉस कर्ली ब्रैसेस टैन ब्रैकेट में कॉट एक्स, तो ये हमने पहले y मान लिया, अब हम लोग क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, उसके बाद साइन का पहले, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos लिख दिए, और जो इसका एंगल है वही लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा cos curly braces tan, और ये हो जाएगा cot x, तो ये किसका भी किए साइन का, अब किसका करेंगे cos का, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस साइन, लेकिन चूंकि माइनस आ चुका है ये इंटू में है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट भी ले लेते हैं, तो माइनस साइन इस कॉस का माइनस साइन, इस साइन को तो हम लोग भूल जाएंगे क्योंकि इस साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं, तो अब क्या दिख रहा है कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे, तो एंगल क्या है इसका एंगल है टैन और ब्रैकेट में कॉट एक्स, तो ये हो गया इसका कॉस का डिफरेंशिएशन, अब साइन का भी हो गया कॉस का भी हो गया, दोनों को भूल जाएंगे, अब क्या दिख रहा है टैन, तो टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो इनटू में आ जाएगा सेक स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो लिख देंगे, क्या आ जाएगा कॉट एक्स, तो चलिए टैन का भी हो गया, अब क्या लिखेंगे कॉट का, तो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जैसे ही माइनस आता है तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, तो कॉट का भी हो गया, अब क्या दिख रहा है एक्स, तो एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन वन, तो
तो ये हो गया इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब रही बात सजाने की, तो इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला टर्म है उसको आगे लिख लेंगे, क्योंकि ये और ये सभी मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और छोटा हमको ये दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको आगे लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर हमको दिखा सेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और फिर दिख रहा है ये वाला साइन साइन कर्ली ब्रैसेस टैन और कॉट एक्स क्लोज ब्रैकेट। फिर अगला है कॉस और ब्रैकेट में कॉस, फिर टैन और फिर आया कॉट एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब लग रहा हो कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेशन हम आ रहा होगा, तो आप लोग भी अपने बुक से क्वेश्चंस को कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि आखिर क्वेश्चन हमको कैसे करना है। और जिस तरह से यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है। इसको बोलते हैं हम लोग चैन रूल भी बोलते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन और साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिर से वही काम, क्या करेंगे, वाई मान लेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से हम लोग सोच लेंगे पहले ही कि किसको आपके पहले डिफ्रेंशिएट करना है, पहले साइन को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर इस वाले रूट को करना है, फिर कॉस को करना है, फिर इस वाले रूट को करना है, और फिर रूट के अंदर वाले टर्म को करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और जो इसका एंगल है वो एंगल लिख देंगे कॉस अंडर रूट एक्स, फिर इनटू, फिर किसका करेंगे, रूट का, तो रूट का होता है वन बाई टू अंडर रूट, और जो इसके अंदर है वही लिखेंगे ना, कॉस और अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स, फिर इनटू का साइन देंगे। किसका कैसा कर चुके हैं, साइन का कर चुके हैं, फिर इस रूट का भी कर चुके हैं, अब अंदर क्या दिख रहा है, कॉस। तो जिसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे उसको भूल जाना है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ब्रैकेट ले लेंगे माइनस साइन, और जो एंगल है वही लिखेंगे, फिर इनटू में कॉस का भी हो गया, अब इसका रूट का, तो रूट का होगा वन बाई टू, रूट के अंदर क्या है एक्स, तो इसका भी हो गया, अब रूट के अंदर वाले टर्म का, तो एक कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा एक्स का वन। ये हुआ इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इसको थोड़ा खूबसूरत बनाएंगे, खूबसूरत बनाने के लिए इसको थोड़ा सजाएंगे, कैसे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में कौन कौन है, ऊपर में ये रहा, ये है और ये वाला टर्म है, तो ए सबसे छोटा है, आगे लिख लेते हैं ए, फिर उसके बाद इसको लिख लेते हैं, माइनस भी है तो आगे माइनस भी कर लेते हैं, और ये साइन अंडर रूट एक्स, और फिर ये वाला लिख लेते हैं कॉस अंडर रूट एक्स, और फिर नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टू टू जा फोर, और वो छोटा दिख रहा है अंडर रूट एक्स, और ये है अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये ए भी रूट में है और ये ए है, तो इस रूट ए से ये वाला ए कट जाएगा, इससे ये काटेंगे तो यहाँ पर रूट ए बचेगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, माइनस रूट ए, और यहाँ पर आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन फोर, और अंडर रूट में आ जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स। तो ये हो गया आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप लोग अगर ये लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ये लिख लिया कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है वन अपॉन ब्रैकेट वन प्लस टैन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो फिर से वही काम करेंगे, पहले हम लोग y मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टैन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से मान लिए। अब हम क्या देखते हैं कि ये किस फॉर्म में है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो ये अभी x टू द पावर n के फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वन अपॉन में है। हाँ, इसको चाहो तो तुम 1/x के फॉर्म में समझ सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि इसको हम उठा के ऊपर ले जाते हैं, तो अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 1+tan³x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो अब ये लग रहा है कि x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो
अब हम क्या करेंगे, पहले x टू द पावर n के फॉर्म वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले वाले लाइन पे क्या किए, पहले वाले लाइन पे क्या किए कि इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट नहीं किए, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब उसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो y का हो जाएगा dy by dx। यहाँ पे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले पावर का। तो पावर कैसे होता है, पावर आता है बाहर माइनस टू वन प्लस टेन क्यूब एक्स। अब पावर में से एक हटा देते हैं तो माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, फिर इनटू में अब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन का हो जाएगा जीरो। देखिए जब भी एक से ज़्यादा टर्म आता है तो हम यहाँ ब्रैकेट में करके ही डिफरेंशिएट करते हैं ताकि कोई गलती ना हो। फिर प्लस, अब यहाँ पे टेन क्यूब एक्स है तो टेन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन जब हमें करना है तो पहले पावर का होगा, यानी पहले क्यूब का होगा फिर टेन का होगा। तो पहले क्यूब का होगा तो क्या हो जाएगा, थ्री टेन स्क्वायर एक्स, फिर इंटू टेन का, टेन का होता है sec स्क्वायर एक्स, और फिर एक्स का, तो एक्स का हो गया वन। तो ये अगर ना भी लिखे तो चलता। तो ये हो गया इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सजाते हैं। तो माइनस टू और ये क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन क्यूब एक्स के पावर माइनस थ्री आ जाएगा, और ये आ जाएगा इंटू में थ्री टेन स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। अब ये जो इस पे पावर माइनस है, इसको हम चाहे तो नीचे ले जाए तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, लेकिन माइनस टू इंटू थ्री ये तो ऊपर ही रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा वन प्लस टेन क्यूब एक्स का पावर थ्री। ये हो गया आंसर। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब u बाई v का यूज होगा इस अगले क्वेश्चन में, कैसे वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos, cos ब्रैकेट में x अपॉन वन प्लस रूट एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं कि cos और उसके एंगल में है x अपॉन वन प्लस रूट एक्स। तो इसका मतलब पहले cos का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u बाई वी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ही वेरिएबल है नीचे ही वेरिएबल है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था वो उसमें ऊपर में कांस्टेंट था, इसलिए हम u बाई वी नहीं लगाए। यहाँ पे u बाई वी इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है इसलिए, लेकिन पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, y जैसा कि सब में हम लोग करते आए हैं, y इज इक्वल टू cos और x अपॉन वन प्लस रूट एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, y मान लिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू cos का माइनस साइन, और जो एंगल है वो एंगल तो लिखना ही है इनटू में। अब हम इस cos को भूल जाएंगे, अब क्या दिख रहा है हमें, ये x अपॉन वन प्लस रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, u by v के फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि दो दो चीज़ें डिवाइड में आ गया है। तो u by v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो u by v का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसको स्क्वायर कर देना है, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देना है, और ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखना है, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ देना है और नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखना है। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर यानी वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन स्क्वायर। अब जो नीचे वाला फंक्शन है उसको छोड़ देना है, तो नीचे वाला फंक्शन कौन है, वन प्लस रूट एक्स, तो वन प्लस रूट एक्स को छोड़ देना है, फिर ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, फिर माइनस देना है माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ना है, तो ऊपर वाला फंक्शन कौन है एक्स, फिर नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो वन का हो जाएगा जीरो, और प्लस रूट एक्स का हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स। तो हम यहाँ पे जब भी एक से ज़्यादा टर्म आता है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन एक टर्म होता है तो उसको ओपनली हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्रैकेट यूज करना चाहिए आपको। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो सिंपल है, माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा वन प्लस रूट एक्स को ऐसा ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस रूट एक्स, चूंकि इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा एक्स इंटू एक्स बाई टू रूट एक्स। तो यहाँ पे रूट एक्स से ऊपर वाला एक्स कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा कितने बार में, रूट एक्स टाइम में। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, माइनस साइन
एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स बाई टू अपॉन में वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। तो वन रूट एक्स में हाफ रूट एक्स घट जाएगा तो हाफ रूट एक्स बचेगा, तो माइनस साइन एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा वन और प्लस में रूट एक्स बाई टू अपॉन में वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो आप चाहें तो और भी एलसीएम वगैरह ले सकते हैं। और हाँ, डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर प्रोसेस अलग तो आंसर अलग हो सकता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आने जा रहा है, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन जब कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन को पहले हम लोग माइंड में ही सोच लेते हैं कि पहले हम लोग किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो डिफरेंशिएबल फॉर्म में है तो हम लोग बड़े आसानी से कर देते हैं, नहीं तो उसको थोड़ा चेंज भी कर लेते हैं। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है कि टैन एक्स प्लस एक्स के पावर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये क्वेश्चन है। टैन एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन, तो ये जो पावर में माइनस वन है ये थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो एक्स टू द पावर माइनस वन को वन बाय एक्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू टैन x माइनस एक्स के पावर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स के पावर माइनस वन। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग ये करेंगे कि जो x के पावर माइनस वन है उसको वन बाई एक्स लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे वन बाई एक्स। अब इसको थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम x आएगा नीचे एलसीएम x आएगा वो कट जाएगा, तो क्या दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फिर से वही चीज़ें डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन हम क्या किए हैं, ये तो क्वेश्चन था, इसको हम क्या किए हैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए। यहाँ तक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा टफ काम था और इसको डिफरेंशिएट करना इसके कंपैरिजन में आसान है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले किसका होगा टैन का, तो टैन का कितना होता है सेक स्क्वायर, और जो एंगल है वो एंगल तो हमें लिखना ही है, फिर इनटू में अब हम क्या कर देखेंगे, अब अंदर वाले टर्म का, तो अंदर वाला किस फॉर्म में यू बाई वी के फॉर्म में, तो यू बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो नीचे का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ देना है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन को छोड़ देना है, फिर इनटू में ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो इनटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएट यानी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और माइनस वन का हो जाएगा जीरो, फिर माइनस देना है, फिर अब ऊपर वाले को छोड़ देना है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है यानी कि टू एक्स प्लस जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये आ जाएगा कितना टू एक्स माइनस जीरो, तो समझो सिर्फ टू एक्स लिखा हुआ है, तो टू एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो ये टू एक्स यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा और साइन भी चेंज होगा, तो माइनस टू एक्स क्यूब और प्लस प्लस टू एक्स हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको इसमें कौन कटेगा, टू एक्स नहीं कटेगा टू एक्स क्यूब कटेगा, टू एक्स क्यूब और टू एक्स क्यूब कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना फोर एक्स अपॉन इतना इंटू इतना ही हो जाएगा आंसर, ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साहब कि तो u by v आपको उम्मीद है लगाना आ गया होगा कि u by v हम लोग लगाते कैसे हैं, तो ऊपर फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो तो वहां पे हम लोग u by v लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है टू टैन एक्स अपॉन टैन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले हमको पावर दिखेगा, तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर वाले को करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाला क्या है यू बाई वी के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले वाई मान लेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू टू टैन एक्स अपॉन टैन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले पावर क्या करेंगे, तो पावर क्या होता है बाहर आ जाता है एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, पहले किसको करेंगे एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, इसी चीज़ को हम पावर बोलते हैं। तो पावर के फॉर्म में करेंगे तो यानी कि टू आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा टू टैन एक्स अपॉन
टैन एक्स प्लस कॉस एक्स और पावर में से एक घटा देंगे, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन हो गया। फिर इंटू, अब पावर का खत्म हो चुका है, अब अंदर वाले टर्म का, तो अंदर वाला क्या है यू बाई वी के फॉर्म में है, तो यू बाई वी कैसे लगाते हैं, तो अभी अभी देखे थे हम लोग, नीचे वाले का स्क्वायर यानी टैन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर नीचे वाले को छोड़ देंगे, यानी कि टैन एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ देंगे, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो टू कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे यानी कि टू टैन एक्स को हम लोग छोड़ देंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो नीचे वाले क्या हो जाएगा टैन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब आप लोग थोड़ा इसको अरेंज कर दीजिएगा। अच्छा अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन रूट साइन एक्स, रूट एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो दो अगर टर्म प्लस या माइनस में होता है तो उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन जब हम लोग इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो चीज़ें इंटू में आ जाएगा, एक ये और एक ये, तो जब ये इंटू में है तो यहाँ पे क्या लगेगा यू इंटू वी लगेगा, यहाँ पे यू इंटू वी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो साइन का एंगल है, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है रूट एक्स और रूट साइन एक्स, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको वाई मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन अंडर रूट एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो u इंटू वी हम लोग क्या पढ़ा था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी में हम लोग ये देखे थे कि पहले वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, फिर प्लस दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दिया और पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, बस सिंपल। तो यहाँ पे पहला फंक्शन रूट एक्स है इसको हम छोड़ दिए, दूसरे वाले फंक्शन साइन एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, फिर दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दिए साइन एक्स और पहले वाले फंक्शन का रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे यू इंटू वी लगा दिए इसमें, फिर प्लस है तो प्लस देंगे साइन का, तो यहाँ पहले साइन का होगा तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस रूट एक्स, फिर रूट का हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स, तो ये इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब आप लोग थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ प्रूफ करने वाला, जैसे मान लेते हैं अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, वन अपॉन फोर अंडर रूट है फोर एक्स क्यू माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर और ब्रैकेट में है फाइव एक्स प्लस एट, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, y मान लेना चाहिए, लेट y इज इक्वल टू वन अपॉन फोर अंडर रूट फोर एक्स क्यू प्लस माइनस वन और प्लस में कॉस स्क्वायर फाइव एक्स प्लस एट, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग दो टर्म देख रहे हैं, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों क्या है प्लस में है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग प्लस में है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका अलग डिफ्रेंशिएशन इसका अलग डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि वन अपॉन फोर यहाँ पे अंडर रूट फोर एक्स क्यू माइनस वन लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो रूट का मतलब होता है पावर में वन बाई टू, पावर में वन बाई टू, और ये बेचारा तो कॉस स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा फाइव एक्स प्लस एट। अब इसको हम इस चीज़ को ऊपर ले जाते हैं तो वन बाई फोर तो नीचे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस वन के पावर कितना माइनस वन बाई टू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव एक्स प्लस एट। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे क्योंकि अब ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया है, तो अब ये मेरे लिए आसान हो गया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंपल कर लिया। अभी तक हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं, अभी हम क्या किए सिर्फ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, y का हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर बाहर रहेगा, और ये x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन, तो n बाहर आता है तो माइनस में आएगा माइनस वन बाई टू इंटू फोर एक्स क्यूब माइनस वन के पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, फिर इंटू में ये तो पावर का हुआ था अंदर वाले का, अंदर वाले कितना हो जाएगा फोर थ्री या ट्वेल्व यानी ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस जीरो। अब इसका कंप्लीट हो गया, फिर प्लस अब इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो पहले पावर का करना पड़ेगा, यानी कि टू इंटू कॉस फाइव एक्स प्लस एट होगा,
फिर पावर का हो गया, फिर कॉस का, तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x प्लस 8। फिर आप कैसा करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले का, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 है, तो 5 बाहर आएगा इंटू 1 प्लस 0। तो ये हो गया कंप्लीट डिफरेंसेशन, आप लोग इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा। आगे करते हैं, अब आते हैं एक दो क्वेश्चन प्रूफ वाले में, कि जो क्वेश्चन में प्रूफ करना होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल तरीके से करते हैं डिफरेंसिएशन, अपने आप जो आंसर आना होता है वो आ जाता है। तो देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, देन सो दैट हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमें प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और प्रूफ करना है ये, तो यहाँ से ये पता चला, यहाँ से पता चला कि अच्छा ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, तो जरूर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया होगा, तभी तो एफ डैश एक्स आया होगा, तो क्यों ना हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। तो जो गिवन है उसको हम लोग लेके चलते हैं, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वहाँ पे एफ डैश एक्स ये लाना है, तो क्या करें, तो जब तक इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं तब तक एफ एक्स से एफ डैश एक्स मिलेगा नहीं, तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस बात को लिख लेते हैं, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। तो यहाँ पर पहले किसका हो जाएगा, रूट का, तो रूट का होता है वन बाई टू रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर इनटू में, अब रूट के अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो रूट के अंदर वाला जो टर्म है वो किस फॉर्म में है, यू वाई भी के फॉर्म में है, तो यू वाई भी कैसे करते हैं, नीचे का स्क्वायर नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर माइनस ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ दिए, नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो एक्स का हो जाएगा वन और वन का हो जाएगा जीरो, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये वाला रूट वाला पार्ट नीचे ऊपर चला जाएगा, तो रूट अंडर एक्स प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये वन माइनस जीरो वन, तो वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, यहाँ पे आएगा वन, वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन आगे माइनस होने के कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में यह आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये रहा इनटू में। अच्छा अब यहाँ पे कौन कटेगा, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा, ये वन प्लस वन टू और ये टू और ये टू कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन और ये कितना जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा अब ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं एक्स प्लस वन के पावर वन बाई टू है, चूंकि अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो उस प्रूफ को लाने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर में कुछ नहीं बचना चाहिए, तो ये भी x प्लस वन है, ये भी x प्लस वन है, यहाँ पे x प्लस वन के पावर वन बाई टू है, यहाँ पे x प्लस वन के पावर टू है, तो बेस सेम होने पर पावर घटता है, तो इसको थोड़ा और हम सजा के लिख लेते हैं कि x प्लस वन इसको लिख सकते हैं पावर वन बाई टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वन और ये तो x माइनस वन को हम लोग रूट में रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एक्स प्लस वन के पावर टू, तो ये है ही, अब दिख रहा है कि बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो टू में से हाफ घटा देंगे तो दो में से आधा घट जाएगा, तो डेढ़ बचेगा, डेढ़ का मतलब थ्री बाई टू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में कर जाएगा वन, इसको उठा के नीचे कर लिए तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स के पावर वन बाई टू और यहाँ कितना हो जाएगा एक्स प्लस वन के पावर थ्री बाई टू, ऐसा होगा, लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ, तो एक लाइन थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास आया हुआ है f dash x इज इक्वल टू ऊपर में तो वन है ही, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस वन के पावर वन बाई टू, ये जो x पावर थ्री बाई टू है x प्लस वन के पावर थ्री बाई टू, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन के पावर वन बाई टू इंटू x प्लस वन, देखिए हाँ यहाँ पे x प्लस वन के पावर वन बाई टू, यहाँ x प्लस वन के पावर वन है, तो बेस सेम है तो पावर जब ऐड करेंगे इतना ही आएगा ना, तो इसी चीज़ को हम ये एक्सपैंड कर दिए जानबूझ के इस तरह, क्योंकि हमें प्रूफ तक पहुँचना है इसलिए,
तो हम क्या देखें, ये x प्लस वन, ये भी ये x माइनस वन, इन दोनों के पावर सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो के पावर एक ही आ जाएगा एक ही ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से f डैश x इज इक्वल टू वन अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही ब्रैकेट के अंदर हम लोग डाल सकते हैं, चूंकि दोनों का पावर सेम है, और इनटू में क्या बचा हुआ x प्लस वन। तो यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होते ही बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पावर वन बाई टू का मतलब रूट हो गया, इनटू में क्या आ जाएगा x प्लस वन। तो ये बात हो गया प्रूफ, ये चीज तो ये, तो ये हो गया प्रूफ। अच्छा अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर एक प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसके सॉल्यूशन को आप लोग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एक प्रूफ करने वाला है कि इफ क्वेश्चन है, इफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये दिया हुआ है, देन सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये दिया हुआ वाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है, देन सो दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो ये वाई है तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो जरूर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया होगा तो ये मिला होगा। लेकिन एक दिक्कत और भी है कि ये यू बाई वी के फॉर्म में है, तो नीचे का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा आंसर नहीं दिख रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल फॉर्म में दिख रहा है कि पाई बाई फोर प्लस एक्स। तो इस तरह का एंगल को हम कैसे इन्वॉल्व करेंगे इसमें, तो ये चीज़ मैंने पहले ही 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है, सॉरी ये ऑनलाइन हम पहली बार आए हैं, तो ऑफलाइन में जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को ये पता है, उन बच्चों को मैंने ये बताया था कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को हम लोग कैसे, ये सेक स्क्वायर आया हुआ है, तो सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, टेन एक्स का, तो जरूर ये टेन एक्स टेन में रहा होगा तभी ना ये आंसर आया होगा सेक स्क्वायर। तो इस चीज़ को टेन में कन्वर्ट करना मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को बताया है, जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़े हैं और जो वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये बात पता होगा कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को कैसे टेन में कन्वर्ट करते हैं। तो जिसको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ, तो इसको अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो। तो कभी भी ऐसा हो कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो और आपको टैन में जाना हो, तो सबसे पहले आप इसमें डिवाइड कर दीजिए कॉस एक्स से ऊपर नीचे। तो जैसे ही कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो वन बन जाएगा, यहाँ कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टैन एक्स बन जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे वन, यहाँ पे कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये टैन एक्स बन जाएगा। लेकिन हमें ये सिंपल टैन एक्स, सिंगल टैन में लाना है, तो ये तो दो दो जगह टैन आ गया ना, तो उसके लिए क्या करना है, इस वन के जगह, ये जो वन है ऊपर वाले वन के जगह टैन पाई बाई फोर लिख देना है। क्यों? क्योंकि टैन पाई फोर का वैल्यू होता है वन। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि टैन ए माइनस बी में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या टैन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में, नीचे वाले वन की जगह वन ही रखना है, फिर माइनस टैन एक्स के साथ यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई में, तो इस वन की जगह हम टैन पाई बाई फोर भी लिख सकते हैं और इनटू में टैन एक्स। तब आपको ये फील होगा जो क्लास 11th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा टैन ए प्लस बी का, कि टैन ए प्लस टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी का। तो इसी फॉर्मूले में ये सेट हो चुका है, आप ध्यान से देखें तो ये टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन ए प्लस बी, यानी कि पाई बाई फोर प्लस एक्स। तो ये आ गया इसका सिंपल फॉर्म, यानी कि ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो दोनों बात एक ही है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ चुका है। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और टैन का हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स। तो ये टैन का हुआ, अब अंदर वाले टर्म का, तो अंदर वाले टर्म का में पाई बाई फोर तो एक नंबर है, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो और एक्स का हो जाएगा वन। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स, और ये बात होता है प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने आपको बहुत सारा
छोटा छोटा क्वेश्चन दिखा दिया है, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को करते हैं। तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, जिसमें इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।